आखिर मुंबई के लोगों की इंसानियत जाग उठी। हमने एक लावारिस घोड़े की खबर रात 3 बजे हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमने प्रसारित की थी, जिसके बाद 3 घंटे बाद यानी अब 6 बजे 3 घंटे बाद ही कुछ लोगों ने हमारा भेजा हुआ वीडियो देखने के बाद में इंसानियत जागी। और आप देख सकते हैं कि उस जो जख्मी जो घोड़ा था जिसके पैरों में गंभीर चोटें आई थी, शायद किसी वाहन ने उसे दुर्घटनाग्रस्त किया था, उसे गंभीर चोटें आई है। हमने जब ये रात में वीडियो वायरल किया, जिसके बाद में मुंबई के जिंदा दिल लोग जिन्होंने इस वीडियो देखने के बाद में उस घोड़े की परवरिश करने या उसका इलाज करने के लिए सवेरे 3 बजे काशीमीरा के दिल्ली दरबार होटल के समीप इस घोड़े का इलाज करने के लिए ले जाने के लिए आए हुए कुछ लोग हैं हमारे साथ, जिन्होंने वीडियो देखे और आप जानते हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब है, अच्छा ये बताएं कि भाई आप जब आपने वीडियो देखा तो किस तरह का आपको दिल में क्या जागा, किस तरह की इंसानियत जागी? हम लोग तो खाना खाने के लिए आए थे, जैसे ही आपने बताया जानवर का, तो अभी तक हम लोग खाना क्या पानी नहीं पिए। अब इसको मतलब नासिर भाई का बताओ, नासिर भाई आए गोरेगांव से खास जी, बताए कि भाई आपने जब ये वीडियो देखा तो आपको किस तरह की आपके दिल में इच्छा जागी? बस इलाज करने का सोचा हम लोगों ने, इसके के कुछ इलाज हो जाए इसका। इसका जो सही मालिक होगा अगर वो आवे जब तो इसका इलाज हो जावे। बेजुबान जानवर, भूखा प्यासा, बारिश में भीग रहा था, बस यही है कि अच्छा अल्लाह करे कि मतलब वो सही हो जाए, बस जैसा पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाए बस। मतलब आपने देखा जी, इसका जो भी मालिक होगा पता नहीं कितना संग दिल होगा। लगातार पिछले 2 दिनों से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लावारिसों की तरह ये घोड़ा जख्मी हालत में मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। कुछ लोगों ने इसे खाना भी खिलाया। हमने रात 3 बजे से लगातार इस बेजुबान जानवर की मदद करने के मकसद से हम लोग यहाँ पे जमे हुए। हमारे साथ में हमारे मित्रगण भी जो है वो यहाँ पर आए और इस बेजुबान जानवर की मदद करने, उसका इलाज करने के उद्देश्य, आप देख सकते हैं कि अपने ही खर्चे से टेम्पो मंगाया गया, यहाँ तक के किरण तक मंगाई गई जिसे घोड़े से उठा के, घोड़े को उठा के डाला जा सकता है, क्योंकि उसके पैरों में चोट आई हुई है और इस चोट के कारण ये घोड़ा चल फिर नहीं सकता। इसीलिए खुद के जेब के पैसे खर्च करके जो मुंबई के जिंदा दिल लोग हैं जिन्होंने जो है इस घोड़े की मदद करने, उसका इलाज करने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। और रात भर हमने मुंबई पुलिस के जो थाने ग्रामीण कंट्रोल है उनसे हमने मदद की गुहार लगाई, फायर ब्रिगेड वालों से हमने मदद की गुहार लगाई, बीएमसी के कुछ नंबर को हमने कांटेक्ट किया।